चलो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इसके अंदर मैंने अभी ये साइलेंसर देखे, इसका जो ओरिजिनल साइलेंसर है वो चेंज करके मैंने इसमें के इंडोरी लगाया। तो मुझे किसी ने बताया कि के इंडोरी जहाँ लगता है वहाँ पे जंग लगने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बारिश का टाइम शुरू हो गया है। तो हम वो जगह वापस जैसे इंडोरी लगाया था वैसे भी एक बार निकालेंगे वापस, बेट करके हम इंडोरी को वापस लगाएंगे। और इसका इंडोरी का आवाज़ भी सुना होगा, जो ओरिजिनल जो साइलेंसर आया था उससे 100 गुना अच्छा है ये, और ये लीगल माना जाता है। तो आप लोग सब बड़े बड़े साइलेंसर लगाने से अच्छा है, इसमें 1800 रुपये से लेकर 1800 के बीच में मिलता है, तो आप लगा सकते हो। आवाज़ भी बहुत अच्छा है, पुराना जो स्टैंडर्ड का जो आवाज़ है वो मिल जाएगा। चलो अभी खोलते हैं। ये खोलने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल है, 15 मिनट में सब चीज़ें हो जाती है। ये ऐसे खोलना है, ये निकालो पहले। देखिए इधर सब जगह पे जंग लगा हुआ है, ये वेल्डिंग यहाँ पे हर जगह जंग है, आप देख सकते हो। ये देखिए ये नीचे वाला ये जो पोर्शन है, और यहाँ भी जंग लगते हैं, पता नहीं इन्होंने क्या यूज़ किया है। मैं क्या मेरा नीचे ले जाता हूँ, देखिए ये एरिया पूरा बारिश ख़त्म होते सड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने ये प्लान बनाया है, यहाँ पे थोड़ा पेंट मार देंगे तो इधर दिखेगा नहीं, सेफ तो रहेगा। ये अच्छी तरह क्लीन करना, आप जहाँ भी ये कर रहे हैं उसको अच्छी तरह क्लीन कर दो। इंडोरी भी 2 साल तक की चलेगा, उसके बाद तो सड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो साइलेंसर होता है वो थोड़ा क्वालिटी अच्छा रहता है, बाकी ये सब का उतना क्वालिटी नहीं रहता। तो जितना अपन इसको क्लीन करें उतना अच्छा, मोस्टली ये जो एरिया में ये जंग लगता है, बाकी कहीं नहीं लगता। तो अभी पेंट करने के लिए ऐसे ये कपड़ा ले लीजिए आप, मैंने ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट तो नहीं करेंगे अपन। तो उसके लिए इसको इसमें स्प्रे करो, ऐसे करो, पेंट मारने की ज़रूरत नहीं है। पेंट मारने से शायद साइलेंसर के कलर में भी वेरिएशन पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमने जो लगाया है इंडोरी उसमें कलर में फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअली वो निकाल के करना चाहिए, मैं वो निकाल नहीं रहा हूँ, अभी निकालेगा टाइम बिगड़ जाएगा, इसलिए निकाले बिना कर रहा हूँ। वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, अभी कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। मैं एक्चुअली कहीं भी कुछ भी जहाँ जंग लगता है उधर यही पेंट मारता हूँ। ये अंदर का पोर्शन है इसलिए दिखता नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं है। नहीं तो और भी एक बेस्ट आइडिया मैं बताता हूँ, जैसे सेलो टेप होती है वो इतने एरिया में बांधो फिर स्प्रे करो, पीछे एक पेपर रख दो, वो भी करते हैं अभी। मैंने पीछे प्लास्टिक का एक बैग आया था वो लगाया, ताकि पेंट अपने इंजन पार्ट में कवर के कलर में ना लगे। और ये मैं साइलेंसर के जो एरिया है उसको मैंने इससे कवर कर रहा हूँ, इतने एरिया को थोड़ा ज़्यादा तक मैं कर लेता हूँ, ताकि और कहीं लगे नहीं। अपने को जितने एरिया चाहिए बस उधर ही चिपकाना है, ये बाद में आसानी से निकल जाता है। देखो मैं इधर भी लगाता हूँ, क्योंकि इधर कुछ जगह पे अपने को मारना है, दो जगह पे, इसलिए इधर भी लगाता हूँ। ये क्या है वेल्डिंग पता नहीं है, इतना पैसा देके हम बाइक लेते हैं और बोलो सस्ता माल चिपकाते हैं। ये लग चुका है, जितना लगना उतना लग चुका है। और अभी इधर एक छोटा सा है, बस इतना हो गया है। अभी थोड़ा रिस्की लगता है ये एरिया में, तो ये एरिया में मैं वही बोलूँगा सबको, कॉटन में ही पेंट लेके स्प्रे करके ऐसे थोड़ा थोड़ा लगाए,
बाकी इसमें ज़्यादा होशियारी ना छोड़े, ये भी काम तो करता है। ये पेन जल्दी सूख जाता है तो ऐसे ही करें, अपने को अभी थोड़ा तो प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो थिक लेयर नहीं बन पाता इसमें। अगर कुछ ना है, कुछ नहीं है, उससे अच्छा है कि कुछ तो होनी चाहिए। थोड़ा रख के ऐसा दबाना पड़ता है तब जो जितना क्लॉथ में जो पेंट है वो उसमें आ जाती है। हमारे हाथ का हालत थोड़ा अलग ही हो जाता है उसमें, मगर चलता है। देखिए ये लग चुका है, अभी हम ये तुरंत सूख जाता है, अभी हम इसको निकालेंगे। देखिए ये लग गया है, ये भी निकालेंगे, ये भी सब निकालेंगे, ज़्यादा टाइम ना लगा है। देखिए कितना क्लीन है, साइलेंसर में कहीं कुछ नहीं लगा है, ये भी निकालेंगे। फुल्ली प्रोटेक्शन के साथ हमने अपना काम तो कर लिया है। अब ये कब तक चलता है पता नहीं है, चलेगा जब तक, तब तक यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये ले लो, इसको बंद कर लो। ये एक्चुअली इंडोर ही लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो है जो स्टॉक साइलेंसर आया था वो निकाल के डायरेक्ट इसको इधर लगा के इसका मुंह थोड़ा खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कट टू कट अच्छा फिटिंग के लिए वो लोगों ने बनाया है। तो थोड़ा इधर से स्क्रू ड्राइवर डाल के खोलना है इसको, ट्विस्ट करने से वो थोड़ा ओपन हो जाती है, फिर लगा के टाइट करना है। इसमें कुछ ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सा काम है, सब कुछ हो जाता है। इससे आपकी गाड़ी सेफ रहेंगे बारिश के टाइम पर, और बारिश के टाइम पर सब लोग ऑयल लगाते हैं कभी सेफ्टी के लिए। उस पैंटन ये अच्छी तरह टाइट कर लीजिए, नहीं तो हिलना डुलना शुरू हो जाएंगे। ये देखो ये बाहर दिखता नहीं है, जितना भी अपन गंदा काम करें अंदर बाहर नहीं दिखता। और ये मैंने एक्चुअली खोला था दिखाने के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, सब दिमाग वाले हैं। सो हम इसको वापस टाइट करेंगे, इसको घुमाएगा तो ये अपने आप टाइट हो जाता है। ये हो गया फिट एकदम टकाटक, कमर की वार्ड लग गया। बस इतना ही था ये काम, अभी आपको इसकी सुनाएंगे आवाज। ये हमारा हीरो है, उसको बुलेट का साउंड ज्यादा अच्छा लगता है।